ये मुझे ख्वार करेगा इस तरह जगह जगह पे ना। अभी हमारे पीछे जो है वो रश जमा हो गया और अभी हमने साढ़े चार लीटर डाला है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज है टूर का डे टू और कल रात को मैं सोया था जिब्रान की तरफ फ्राइबर्ग में। फ्राइबर्ग जर्मनी की एक छोटी सी सिटी है जो फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर के पास लगती है और इसके करीब ही जर्मनी का एक मशहूर रीजन है श्वार्ज़वाल्ड, जिसे जर्मन में कहते हैं वैसे उसे इंग्लिश में ब्लैक फॉरेस्ट कहते हैं। आज हम जाके करेंगे एक्सप्लोर ब्लैक फॉरेस्ट को। उसके कुछ एरियाज़ काफ़ी खूबसूरत है, तो काफ़ी लोगों ने कहा था कि ये एरियाज़ वो देखना चाह रहे हैं। पीछे से हवा आ रही है। यहाँ पे जिब्रान बना रहा है हमारे लिए नाश्ता और देखते हैं कि जिब्रान नाश्ता क्या बना रहा है। चेक करें जरा ये पराठे। देखिए इतना आला टूर का स्टार्ट तो मैंने नहीं सोचा था कि मुझे सुबह सुबह जब मैं घर से निकलूंगा तो उसके बाद मुझे पराठे भी मिलेंगे। तो ये तो फिट हो गया, साथ में पराठे और अंडे बन रहे हैं। अंडे चाय और मतलब वो भी चीज़ ऑमलेट। चाय चीज ऑमलेट, वाह जी वाह, मेरी तो मौजें हो रही हैं भाई। पहले दिन तो कल का जो हमने कोरोना को डिच किया और फिर आज सुबह सुबह हमें पराठे खाने को मिल रहे हैं, तो इससे बेहतर और क्या। अभी हमने नाश्ता कर लिया है और जिब्रान से बोलते हैं थैंक यू। जिब्रान ने बहुत आला नाश्ता बनाया है। मैं इसे कल कह रहा था कि मैंने पराठे नहीं खाने, लेकिन मैंने तीन खाए, इसके लिए सिर्फ एक छोड़ा है। तो थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया। बिल्कुल रेडी है। यस, जैकेट शैकेट उसने पहन ली है। ठीक है, तो अभी निकलते हैं बाहर और आपको दिखाते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। जिब्रान साहब अपनी होंडा CB 600, हाँ जी, और ये अपनी गरीबों वाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले डलवाना है हमने पेट्रोल, क्योंकि पेट्रोल इसमें बहुत ही कम है, 11 किलोमीटर है। जिब्रान ने कहा तो है कि पास में ही है, अभी लगाते हैं आगे जिब्रान को और उसके बाद मेरी बारी आएगी। अभी ज़रूरत नहीं है। मौसम काफ़ी अच्छा है, 22-23 डिग्रीज है, परफेक्ट वेदर। हल्के हल्के से क्लाउड हैं आसमान पे और इशारे खुले हैं, मतलब कि हम लोग जो एक टैंकी में 300 किलोमीटर लास्ट किया है, अभी भी है पेट्रोल इसमें, तो ऑलमोस्ट ये बाइक कर जाती है 310-320 किलोमीटर एक टैंकी में विद लगेज। मैंने शायद आप लोगों को पहले भी एक किसी व्लॉग में बताया था, मेरी बाइक में पेट्रोल डालना बहुत मसला है। इसमें मैंने लगाया वो एक फ़िल्टर, वो इसलिए लगाया था कि जो सेंट्रल एशिया वगैरह कंट्रीज़ हैं वहाँ पे फ्यूल की क्वालिटी अच्छी नहीं होती, तो फ्यूल पंप जो है ना वो ख़राब हो जाता है, तो ये सारा जो डस्ट पार्टिकल जो है उसको रिमूव कर देता है। लेकिन पेट्रोल डालना बहुत मसला होता है, क्योंकि ये हमेशा फॉल्स इंडिकेशन देता है नोज़ल को के अंदर से फुल है, तो वो बंद हो जाता है, बंदा पड़ने पाया जाता है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना जिब्रान से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। खैर, उसके लिए हम हल निकालते हैं यार, इससे डाल लेते हैं। हम अभी यूज़ करते हैं ये, इसके आराम से डालना, ये गिरना चाहिए। आराम से डालनी, थोड़ा सा फासला दे के डालना। ये मुझे ख्वार करेगा इस तरह जगह जगह पे ना। अभी हमारे पीछे जो है वो रश जमा हो गया और अभी हमने साढ़े चार लीटर डाला है। इतनी देर में जो है ना ट्रक फुल हो जाएगा और ये छोटी बाइक। जलील करवा दिया इस फिल्टर ने, पेट्रोल तो डल गया लेकिन इसमें बहुत टाइम लगता है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि इसको जो है निकाल दूँ, क्योंकि मैं अक्सर होता है कि पेट्रोल जाने को दिल ही नहीं करता डलवाने का, ये नहीं कि पैसों की वजह से, वह इसी फिल्टर की वजह से बहुत टाइम लगता है। और फिर पीछे लोग जो हैं वो लाइन बना के खड़े हो जाते हैं, बंदे को इतनी शर्मिंदगी होती है, वो पूछते हैं यार छोटा सा बाइक है इसका और तेल ऐसे डाल रहा है जैसे पता नहीं है ट्रक है। आज ट्रैफिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और जिब्रान ने जो रूट बना के दिया है ये मेरे ख्याल में इस एरिए का सबसे खूबसूरत रूट है। एक हम आज करेंगे और फिर एक पार्ट जो है वो कल करेंगे। तो आज रात जो है मैं दोबारा जिब्रान की तरफ ही रुकूँगा। तकरीबन ऑलमोस्ट 200 किलोमीटर का हमारा आज का रूट बन जाता है। सामने से नज़र ही नहीं आ रहा यार, धूप इतनी पड़ रही है कि नेविगेशन जो नज़र नहीं आ रही।
पहाड़ों को देख के ऐसे दिल खुश होता है इतने अरसे बाद दोबारा से, जो तकरीबन काफ़ी अरसा हो गया स्पेशली लॉकडाउन की वजह से। और उसके मोस्टली मैं अभी तक जो है ना 2-3 चक्कर लगा चुका होता हूँ, तो इसलिए इस साल जो है गया नहीं पिछले 2 महीनों से। और जो मेरा एरिया उसमें पहाड़ हैं लेकिन वो बहुत छोटे छोटे से हैं, तो यहाँ पे पहाड़ देख के दिल खुश हो रहा है। फाइनली हम लोग निकल आए हैं यार ट्रैफिक जैम से। आई होप कि अब आगे ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा। हमारा जो पहला स्टॉप है वो यहाँ से 6 किलोमीटर के फासले पर है। आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये चेक करें कितने मज़े से बैठी है। जैसे मैं कह रहा था ना पहले कि यहाँ पर इतनी बूंदियाँ ऐसे आगे उड़ के मुंह को पड़ती हैं, और इनको मेरा हेलमेट बहुत पसंद है, शायद कलर ऐसा है। हमारा पहला स्टॉप जो है वो यहाँ का बहुत ही खूबसूरत ब्रिज है, जो जिब्रान की फेवरेट प्लेस है और मुझे यहाँ पे लेके आया था। मैंने इसकी तस्वीरें देखी थी पहले, क्योंकि यहाँ पे लगती है क्रिसमस मार्केट जिब्रान साहब। जिब्रान भाई क्रिसमस मार्केट लगती है, और मैं तकरीबन पिछले 3 साल से आ रहा हूँ। स्नोफॉल हुई हो और वहाँ पीछे साथ में आग जल रही होती है, दुकानें लगी होती हैं, इतनी खूबसूरत जगह। जब आप मैं यहाँ पर एक बार भी नहीं आया, लेकिन ये कि अब मुझे पता चल गया, मैंने इसकी तस्वीरें देखी थी। अब नेक्स्ट टाइम जिब्रान के साथ यहाँ पे ज़रूर आएंगे। बाकी ये 19th century ब्रिज है, और ये वर्ल्ड वॉर में तबाह नहीं हुआ था, बड़ी कोशिश की थी उन्होंने, लेकिन जो आसपास के एरियाज़ है वो तबाह हुए थे। लेकिन जब जर्मन्स वापस जा रहे थे जंग हार के, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रिज है, तो उन्होंने जाते हुए इसके नीचे ब्रूज श्रूज लगा के इसको उड़ा दिया था, तो दोबारा इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया। अभी ट्रेन वगैरह यहाँ से गुजरती है। तो हम लोग दोबारा बाइक पे आ गए हैं, और अभी जो रोड हम जिस पे जा रहे हैं, ये मेरे ख्याल में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेक्शन है इसका। बहुत ही प्यारे कर्व हैं, और दूर दूर से लोग आते हैं, स्पेशली श्वार्ज़वाल्ड में जो भी आता है, सॉरी श्वार्ज़वाल्ड कह रहा हूँ, ब्लैक फॉरेस्ट, क्योंकि जर्मन का लफज है श्वार्ज़वाल्ड। तो यहाँ पर चलाने के लिए बहुत ही इसके बारे में मैं पहले भी बहुत ज़्यादा देख चुका हूँ, और बड़े अरसे से सोच रहा था यहाँ आने का। अभी हम जाएंगे जो TTC, नाम बड़ा अजीब सा, लेकिन यहाँ की सबसे जो बड़ी लेक है वो है। मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो नेविगेटर है वो पागल हो गया, उसको पता नहीं कि हम किधर जा रहे हैं। ये मसला हो गया, नेविगेटर को सीधा करना पड़ेगा भाई। नेविगेशन को दोबारा सेट कर दिया है, अब इसको जो है इंटरनेट जो मोबाइल वाला है उसके थ्रू चला रहा हूँ। वाईफाई जो है ना मुझे ऑफ़ करना पड़ा, वाईफाई वैसे भी नहीं चल रहा था, लेकिन कैमरा Insta360 जैसे मैं ऑन करता हूँ उसके साथ ऑटो कनेक्ट हो जाता है। इसको मैंने अब थोड़ा सा चेंज करना है सेटिंग, ये इस तरह बाद में कहीं दोबारा इसने जलील ना किया। अभी तो चलो हमें साथ ही रास्ता मिल गया था। मौसम ने तो आज फुल मज़े करा दिए हैं यार। अभी मैंने अपनी जो विंड ब्रेकर है उसको मैंने निकाल दिया, क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी। 22-23 डिग्री में जब सूरज पड़ता है ना तो बहुत तपश होती है उसकी, पसीना आ रहा था, इसलिए मैंने निकाल दी अंदर से। मैंने कहा अब आराम से मज़े से चलानी है, अब काफ़ी कम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने अभी एक छोटा सा स्टॉप लिया, लेक पे पहुँचे श्रुक्सी, साथ में डैम शैम बना, पानी शानी इन्होंने रोका हुआ है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। लेकिन अब हल्की सी सर्दी भी हो गई है, और तकरीबन 7:30 बज गए,
साढ़े सात बज गए, तो जिब्रान को मैं बड़ी देर से कहता रहा कि भाई टाइम से निकल जाएं, टाइम से निकल जाएं, और अभी हमने मेन जो सबसे हाईएस्ट पीक है उधर जाना है, लेकिन मैं हमेशा लेट आता हूँ, लेकिन आज लेट जो है वो जिब्रान की वजह से हुए। सो अभी हम निकलते हैं दोबारा सॉरी, और अभी हमारे पास तकरीबन दो घंटे और लाइट के हैं, कोशिश होगी कि हम दो घंटों में एक दो पॉइंट हमने और कवर करने हैं, वो करके फिर सीधा फ्राइबर्ग जाके कुछ पेट पूजा करें, बहुत भूख लगी है, चलते हैं। क्या जी? शावरमा खाएंगे, चलें आज जाके शावरमा खाया जाएगा। तो भाई सीन कुछ यूँ है यहाँ पे कि अबरार भाई ना हमें ले आए हैं कोई 1200 या पता नहीं 1300 मीटर की बुलंदी पे, और यहाँ लग रही है सर्दी, खुद तो उन्होंने दो दो जैकेट चढ़ा ली है और मेरे पास कोई जैकेट नहीं है। मैंने इसे घर से निकलते हुए कहा था कि भाई अपने साथ जैकेट लेके जा, कहते नहीं नहीं मैं तो करता हूँ, मुझे तो कोई मसला ही नहीं है। इधर मेरे हाथ फ्रीज हो रहे हैं इसको देखते देखते, मैंने तो अपने विंटर दस्ताने नहीं रखे यार ये अभी ना। खैर अभी हम लोग निकलते हैं नीचे, हम लेंगे सबसे खूबसूरत जो इस एरिया की रोड है वो लेंगे, जो सिर्फ वीकेंड पे खुली होती है मोटरसाइकिल्स वगैरह के लिए। आज नहीं नहीं वीकेंड पे बंद होती है, आज खुली हुई है, कल अगले दो दिन जो है वो बंद होगी, तीन दिन बंद होगी क्योंकि मंडे को जो पब्लिक हॉलीडे है। सो हम लोग उसको लेके वापस फ्राइबर्ग निकलते हैं, चलें जी। डन 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 डन। आज फिर मैं इसको भूल ही रहा था लगाना, इससे पहले कि दोबारा से इसकी बैटरी ख़त्म हो, क्योंकि बाइक में मसला ये है कि ठंडी हवा में बैटरीज जो हैं वो बहुत कम टाइम गुजारती हैं, और अगर बैटरी ख़त्म हो गई मोबाइल की या गोप्रो की, जैसे गोप्रो की आज मुझे मेरे ख्याल में 5वीं बैटरी है, और मोबाइल की बैटरी ख़त्म होगी तो हम मसले में पड़ जाएँगे फिर आगे नेविगेशन ढूँढना। अभी हमने को बहुत ज़्यादा रुकना नहीं है, लेकिन क्योंकि लाइट जो है वो बहुत कम और रहेगी, तकरीबन 30 मिनट के करीब रहेगी, तो हमारी कोशिश होगी कि हम 30 मिनट में कुछ सफ़र जो है वो कर लें। And I knew from the first time I met you, I knew that heart is never light, felt like the sun king in Versailles, and I fell from the first time I met you, baby, like a night sky in July. 'Cause you never leave me dry. You, baby, share new life. हमारा खाना आ गया है। जिब्रान भाई ने मुझे सुबह कहा था कि हम रात को शावरमा खाएंगे। शावरमा हम पहुँचते पहुँचते 5 मिनट पहले पहुँच जाते तो हमें शावरमा मिल सकता था, लेकिन हमारी किस्मत में नहीं था। जिब्रान में से पूछते हैं ज़रा आप बताएं कैसा रहा आपका दिन, सर्दी क्या बताएं भाई। सुबह सुबह टेम्परेचर देखा तो 26-25 के पास था, मैंने कहा 7 बजे तक वापस आ जाएंगे, 10 बजने में 5 मिनट कम पे आए हैं हम। इनको देखा देखे मैंने भी अपने ग्लव्स नहीं ले रखे, लेकिन शुक्र है मैंने अंदर जो लेयर थी उसको पहले मैं सोच रहा था निकाल के रख दूँ, लेकिन मैं साथ ले गया और वो बहुत अच्छा डिसीजन। सर्दी जो थी उसके साथ भी जाके हड्डियों को ठक करके बज रही थी, मैं बोल रहा था अंग अंग में आपकी सर्दी होती है, वो वाला सीन हुआ है। लेकिन बहुत अच्छा दिन गुजरा, बहुत खूबसूरत रीजन है। अनफॉर्चुनेटली जो ये रोड हमने लास्ट में की थी इसको मैं शायद मेरे ख्याल में पहले करना चाहिए था, लेकिन सुबह के टाइम यहाँ पे बहुत रश होना था और अगले 3 दिनों के लिए बंद होगी वीकेंड पे, तो हम कल एक और डिफरेंट एरिया में जाएंगे उसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम अपना खाना खाते हैं जो भी आया है, ठीक है, सब्र शुक्र करके, और अभी तो ये भी खाने का बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने तो अपने चिप्स जो है ना उठा के खाना शुरू कर दिए, और अगर आप लोगों को मेरे व्लॉग्स वगैरह पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, आपके एक लाइक से वो क्या कहते हैं कि YouTube जो है वो ज़्यादा शेयर करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और जिब्रान भाई का जो कॉन्टेंट चैनल है वो मैं लिंक में डाल दूँगा, अगर आपको पसंद आए
तो आप जो है ना जाके उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं या देखें, पसंद आता है तो कर दीजिएगा। बिल्कुल ऐसा भी है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच और कीप वॉचिंग। अल्लाह I knew that the harp is never light. Felt like the sun king in Versailles. And I fell from the first time I met you.